कमेटीज़ बनी हुई हैं तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो हमारी मीटिंग्स होती है उसमें ये सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। असा उन्होंने सा गड वेही करे असा पाण में उहे कम कया से जेके असा कदे कया ही कोन होया से। बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है लोगों का दिमाग चेंज करने, बहुत बड़ा काम होता है। जो भी लेडीज़ की पार्टिसिपेशन थी और पर्टिकुलरली जो वहाँ पर आ रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी वीओस को, स्पीच कर रही थी, वो थोड़ा काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव था और इसमें एक पॉजिटिव चेंज नज़र आ रही थी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। जो भी हमारी जॉइंट डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं उसमें मुझे फ़र्क लगा है कि अब ये ख्वातीन ख़ुद ये बात कर रही हैं कि जी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हेल्थ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आई वाज सरप्राइज कि द वेमेन देवर सेइंग कि जी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हमारी फ्यूचर जनरेशन में इन्वेस्टमेंट है। तो इसका मतलब कि ये अवेयरनेस उनमें आ गई है और अब वो सिर्फ बात ये नहीं रह गई कि जो है वो नालियाँ पक्की कर दें या रोड बना दें, इसके बजाय अब जो रियल कोर इश्यूज़ हैं जो अगर हल हो जाएं तो रोड खुद बन जाएंगे, उसकी तरफ अब इन ख्वातीन के जो है ध्यान जा रहा है। मैंने अपने एसीस को भी ये डायरेक्शन दी है कि बजाय इसके कि ऑफिस में मीटिंग करने के, लेट्स गो टू देम, लेट्स गो टू देयर हाउसेज, वहाँ जाके मीटिंग करें, तो उसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आएगा। ने वहाँ पर मसला बताया कि हमारी स्कूल्स बंद हैं, हमारी यही सुचावल में स्कूल बंद है, कहने लगे कौन से स्कूल, फिर मैंने स्कूल बताए। बार मोकलियों था जो स्कूल में तो मास्टर उनके मोटाए था छन, वे पढ़ाएन को चौदीवार अजा तीन खुल हा न वरी जो बाथरूम आ न वॉशरूम आ केदा बार वन, तो उन गाल डीसी साहब तीन पुजाई से जैसे लाइ डीसी साहब गाल असो मसलो हल कर। तो हमारे पास उनकी डिमांड्स आती हैं कि फ़लाँ स्कूल बंद है, इसको आप खुलवा दें, या फ़लाँ स्कूल ओपन है लेकिन टीचर वो परफॉर्म सही ड्यूटी नहीं कर रहा, उसको आप पाबंद करें कि वो ड्यूटी करें। ऐसे इश्यूज़ हमारे पास अब पहले तक नस्बत ज़्यादा आ रही हैं, तो उस तरीके से जो है ना वो एनरोलमेंट भी बढ़ रही है और ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो कम हो रहा है हमारा। शाना बशाना तो आकर अब माशाल्लाह खड़े हुए हैं इनके साथ। जो औरतें हैं उनमें एक किस्म का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, सोशल डिपार्टमेंट के पास आती हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास आती हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास आती हैं, ताकि उन डिपार्टमेंट से अपना जो अपने हिस्से का जो उनको काम है या जो उनके राइट्स हैं वो वहाँ से मिल सकती हैं। जो हमारी LSOs हैं वो टीम मेंबर के तौर पे पोलियो कैंपेन्स में काम करती है। इसी तरह से हम अगर यही LSOs जो ट्रेंड हैं LSOs इनको इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत एक अच्छी अचीवमेंट मिलेगी, इनकी बहुत ज़रूरत है हमें। 2021 में प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हमारे जो है LSOs हैं LSOs के थ्रू हम काम करेंगे। मेरा तो ये ख्वाब है कि मैं डिस्ट्रिक्ट और मतलब कंट्री लेवल पे अपनी LSO को इंशाल्लाह देखना चाह रही हूँ, हमारा जो है खुशहाल गांव हो जाए। इस हवाले से सारा सिस्टम जब इन्होंने हमारे ही हवाले किया है तो ये हिम्मत हम नहीं करनी चाहिए।